नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तो आप देख रहे हैं डेयर डॉग। गर्मी तो काफी ज्यादा बढ़ गया है, उसकी वजह से मैंने मेरे घर के लिए एक स्प्लिट इन्वर्टर एसी ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। ये जो स्प्लिट इन्वर्टर एसी है ये है फ्रॉम द ब्रांड सैमसंग। ये है 1.5 टन 5 इन 1 कूलिंग यानी ये 2023 का मॉडल है, मतलब एकदम लेटेस्ट मॉडल है। 3-स्टार कन्वर्टेबल इन्वर्टर एसी है। अभी इसका अगर पावर कंजम्पशन देखा जाए लगभग 950 किलोवाट के आसपास है, मतलब लेस देन 1000 किलोवाट ये पावर कंजम्प करता है, जो काफ़ी अच्छा है। एंड 1.5 टन मतलब लगभग 110 से 150 स्क्वायर फीट का जो अगर आपका रूम है ये आराम से कवर कर लेता है। इस वीडियो में मैं एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या क्या है, क्या क्या लगता है, मतलब अगर आप ऑनलाइन से कोई भी एसी ऑर्डर करते हैं इंस्टॉलेशन में क्या क्या चीज़ चाहिए, कितना पैसा खर्चा होगा, वो सभी चीज़ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर फ्लिपकार्ट से ओपन बॉक्स डिलीवरी हुआ था, मतलब अभी तो नियम हो गया, तो फ्लिपकार्ट से जो बंदे आए थे वो पूरा एसी को खोले, चेक किए कहीं पर डैमेज है कि नहीं, हालांकि चला के तो नहीं देख पाएंगे, ओवरऑल चेक किए, फोटो उठाए, उनके ऐप में अपडेट किया, सब कुछ करने के बाद मतलब जो ओपन बॉक्स डिलीवरी होता है वैसे डिलीवरी करके वो लोग चले गए। अभी जब मैं इसको ऑर्डर कर रहा था यहाँ पर, इसका अगर प्राइस देखा जाए लगभग 35,000 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन सुपर कॉइन या फिर दूसरे कार्ड डिस्काउंट मिला कि मुझे लगभग 32,000 रुपये में मिल गया, जो मुझे लगता है काफ़ी एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। ये सेम मॉडल अवेलेबल है वाईफाई के साथ, जिसमें शायद आपको 3-4,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़े। मुझे वाईफाई का जरूरत नहीं, तो इसलिए मैंने ये वाला मॉडल ऑर्डर किया है। हालांकि मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। अभी जीवास के तरफ से इसका इंस्टॉलेशन का ऑलरेडी एक प्लान था, मतलब वहां पर ऑलरेडी दिखा रहा था कि जीवास के तरफ से मेरे पास कॉल आ गया, वो इंस्टॉल करेंगे, मतलब सैमसंग के तरफ से इंस्टॉलेशन का कोई नहीं है। इससे पहले मैंने जब ब्लू स्टार का एसी लिया था तब ब्लू स्टार से कंपनी से कॉल किया था, वो लोग आके इंस्टॉल करके गए थे, तो यहाँ पर सैमसंग से नहीं आया, जीवास से आया। एंड वहां पर मेंशन था कि 1405 रुपए, मैं एक बार बिल देख लेता हूँ, 1415 रुपए के आसपास इसका इंस्टॉलेशन चार्जेस लगेगा। मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तो वो लोग आए, टोटल चेक किए कहाँ पर इंस्टॉल होगा, सब कुछ देख के दे स्टार्टेड इंस्टॉलिंग, मतलब कैसे कैसे इंस्टॉल होगा वो। लेकिन उससे पहले उन्होंने बताया और कुछ कुछ खर्चा है, क्या जिसका खर्चा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक 16 amp का प्लग लगता है जो इस बॉक्स के अंदर नहीं रहता है, तो 16 amp का प्लग का अगर अच्छा कोई प्लग आप लेना चाहते हैं उसका प्राइस लगभग 90 से 100 रुपये पड़ता है या फिर 110 रुपये पड़ता है अगर बहुत अच्छा ब्रांड का लेंगे, तो ये आपको जुगाड़ के रखना पड़ेगा, नहीं तो दुकान से लाना पड़ेगा, हो सकता है उन लोगों के पास भी अवेलेबल हो, मेरे पास था इसलिए मैंने पूछा नहीं उन लोगों के पास अवेलेबल है कि नहीं, तो मेरे पास ऑलरेडी एक रखा हुआ था स्पेयर 16 amp का प्लग, तो मैंने वो उनको दे दिया। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है वॉल माउंट, मतलब वॉल में जो ये लगेगा वॉल माउंट स्क्रूज, इसका एक सेट आता है। अभी वॉल माउंट स्क्रूज 550 रुपये से स्टार्ट होता है, 1000-1200 रुपये तक भी मिलता है। एंड जो लोग इंस्टॉल करने आते हैं वो अपने तरीके से इसका प्राइस लेता है, मतलब कभी ज़्यादा लेता है कभी कम लेता है, तो मेरे से उन्होंने 900 रुपये लिया। एंड इससे पहले मैंने ब्लू स्टार या फिर दूसरे जगह पर जो मैंने वॉल ब्रैकेट मैंने इस्तेमाल किया था वो लगभग 600-700 रुपये का था, लेकिन ये 900 रुपये इसका क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, लेकिन मुझे लगता है इसका प्राइस और भी कम हो सकता था, लेकिन 900 रुपये मैंने तो बार्गेटिंग नहीं किया। जैसे मैंने बताया अलग अलग लोगों से वो लोग अलग अलग पैसा चार्ज करता है, तो ये एक वॉल ब्रैकेट है, अगर आप कोई फ्लैट सरफेस में रखते हैं तो वॉल ब्रैकेट का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन जनरली सब कोई सजेस्ट करता है कि वॉल में ब्रैकेट करके रखना ये सही होता है, आई डोंट नो क्यों बट ऐसा है। नेक्स्ट जो खर्चा है विच इज वेदर प्रूफिंग टेप, ये वेदर प्रूफिंग टेप किसमें लगता है, इसके साथ जो वायर जो कॉपर का जो वायर आता है जो कनेक्ट करता है एक्चुअली जैसे गैस इन आउट होता है बाहर और अंदर का जो यूनिट है उसमें कनेक्ट होता है, तो वो लगभग आई थिंक 10 फीट के आसपास देता है, सैमसंग ने भी 10 फीट का दिया था, विच इज़ मोर देन सफिशियंट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। अगर एक्स्ट्रा लगता है, एक्स्ट्रा भी उन लोगों के पास है तो वो आप उनसे खरीद सकते हैं, लेकिन मेरे टाइम पे एक्स्ट्रा नहीं लगा तो ज़रूरत नहीं था। तो उसमें क्या होता है वेदर सीलिंग टेप लगाया जाता है, ये वेदर सीलिंग टेप काफ़ी सेफ रखता है एक्चुअली, तो वेदर सीलिंग टेप का जो एक 10 फीट का जो प्राइस है वो लगभग 300 रुपये के आसपास है, जो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लगा। मैं लोकल स्टोर में जाकर यहाँ पर चेक किया था लेकिन उन लोगों के पास वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो उनसे ही मुझे लेना पड़ा। हालांकि उन्होंने एक फुल टेप रैप किया एंड उसके साथ साथ और थोड़ा सा टेप लगा था, वो उन्होंने फ्री दे दिया, बट 300 रुपये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होता 50-60 या फिर 100 रुपये लगना चाहिए। लेकिन उन लोगों से बात करके मेरे को ये पता चला ये टेप किसी किसी से 450-500-600 रुपये भी लिया जाता है, तो मैं जैसे फ्लिपकार्ट से लिया हो तो उन लोगों का फ्लैट रेट है इसीलिए वो लोग ज़्यादा कोट नहीं कर पाए, मतलब ये 50-100 का सामान भी वो लोग 400 में बेचते हैं, तो ये आप एक बार ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये वेदर प्रूफिंग टेप का भी ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट जो चीज़ का ज़रूरत पड़ता है विच इज़ द आउटलाइन का जो पाइप रहता है वो, अब ये डिपेंड करता है आपको कितना चाहिए। आउटलाइन का पाइप का चार्जेस वो लोग लेते हैं 30 रुपये पर फीट, जो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा है, तो लोकल स्टोर से भी आप ला के दे सकते हैं, मुझे नहीं लगता इतना लगना चाहिए था। हालांकि मैंने 5 फीट लिया था,
जो मुझे लगता है सही है। हालांकि 6 फीट भी ले सकता था, 5 फीट का 150 रुपये पड़ा, तो ये उतना मुझे ज़्यादा अमाउंट नहीं लगा, तो मैंने पे कर दिया। तो ये कुछ कुछ चीज़ें जो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इंस्टॉलेशन से अलग। तो मैंने सब कुछ देखे, मुझे शायद 2795 रुपये तक का लगा। अभी मैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस जनरली आपको बताता हूँ जो जनरली होता है, आप लोगों को भी शायद पता होगा। तो घर में पहले तो वो लोग लेवलिंग करके एक बैक साइड का ब्रैकेट लगाते हैं, उसके बाद एक होल करना पड़ता है बाहर से अंदर वो पाइप जाने के लिए। ओके, और एक चीज़ मैं मिस कर गया, दैट इज़ द वाइट सीमेंट लगता है। मेरे घर में वाइट सीमेंट था इसीलिए मैंने बाहर से नहीं लगाया। 70 से 80 रुपये या फिर 90 रुपये प्राइस होता है जेके वॉलपुट्टी या फिर जो भी वाइट सीमेंट होता है। अच्छा क्वालिटी का अगर वाइट सीमेंट लाते हैं आप तो एक किलो, आप एक किलो नहीं लगता है, 500-700 ग्राम लगता है शायद, तो वो आप लेके रख सकते हैं घर में, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि बाहर से उसको सील करने के लिए वो वाला चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, तो ये और एक चीज़ मैं मिस कर गया था। तो घर में ये टोटल इंस्टॉल हो गया, एंड इंस्टॉल होने के बाद बाहर वाला यूनिट भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन प्रोसेस मैं टोटली देख रहा था कैसे वो लोग कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे, तो पूरा चीज़ मैंने चेक किया। इनफैक्ट काफ़ी अच्छे से, इवन देयर बिहेवियर इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा बिहेवियर था। दो बंदा आया था, एक काफ़ी एक्सपीरियंस था और एक बंदा को शायद वो सिखा रहा था, लेकिन उसको भी आता है काम लेकिन उतना अच्छे से नहीं आता, आता है काम। एंड ये जो ड्रिलिंग कर रहा है या फिर जो भी बाकी सब काम कर रहा है वो आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करके करेगा, साइड सी बात है, खुद से तो इलेक्ट्रिसिटी वो ला नहीं सकता ड्रिल के लिए, तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो चीज़ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द वैक्यूम करना। मतलब ये जो पाइप के अंदर अगर कोई हवा ना रहे उसकी वजह से उसको वैक्यूम करना पड़ता है, उसके लिए अलग सा एक मशीन है जिसके लिए इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है। तो मैंने देखा काफ़ी टाइम तक, लगभग 15 से 20 मिनट तक उन्होंने वैक्यूम किया। एंड अभी ये स्टैंडर्ड प्रोसीड्योर हो गया इंस्टॉलेशन का कि जब भी वो लोग इंस्टॉल करते हैं उसके लिए वैक्यूम करना पड़ता है, तो वैक्यूम करने के बाद उसके बाद वो लोग गैस पाइप चेक करते हैं। सो ये था टोटल कंप्लीट इंस्टॉलेशन प्रोसेस। मैंने कोशिश किया जितना ज़्यादा हो सके रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाना, मेरा ग्राउंड फ्लोर में था इसीलिए उन लोगों को लगाने में कोई दिक्कत हुआ नहीं, साइड में बेचता इस समय में बेचता, अभी ऊपर नीचे होगा शायद उसमें, आई डोंट नो चार्जेस अलग है कि नहीं, मुझे तो लगता है चार्जेस तो सेम ही होना चाहिए क्योंकि चार्जेस के टाइम पे फ्लोर वैसा कोई मेंशन नहीं है। मैंने 3 साल का एक्सटेंडेड वारंटी लिया, मुझे आई थिंक 2200-2300 रुपये के आसपास पड़ा। हमेशा मुझे लगता है ये सब प्रोडक्ट के साथ एक्सटेंडेड वारंटी लेना ज़रूरी है। मैंने जब ब्लू स्टार का एसी लिया था वहाँ पर भी मैंने 2 साल का एक्सटेंडेड वारंटी लिया है, तो कुछ अगर दिक्कत या फिर सर्विस का ज़रूरत है, जैसे गैस का थोड़ा सा दिक्कत था, वो लोग आए ठीक करके गए, अभी वो ऐसे भी काफ़ी सही चल रहा है, वैसा दिक्कत नहीं, मतलब जस्ट सर्विस के लिए मैंने बुलाया था उन लोगों को। सो ये था कंप्लीट होल प्रोसेस। अभी मैं बात करता हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में। आई जस्ट स्टार्टेड यूजिंग दिस सैमसंग एसी एंड मेरा जो ये रूम है इस 15x15 रूम है, मतलब थोड़ा सा बड़ा ही रूम है ये। एंड इस रूम में उतना ज़्यादा फर्नीचर्स नहीं है, जनरली ये हम लोग थोड़ा बहुत मतलब स्टूडियो टाइप का रूम हम लोग बनाए, तो यहाँ पर टीवी है, एक थोड़ा सा बिस्तर है, कुछ कुछ सामान है, तो ज़्यादा सामान नहीं है। ज़्यादा सामान होने से क्या होता है, वो थोड़ा सा ज़्यादा कम ठंडा होता है। ये जैसे ओपन रूम है ये बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। एंड सैमसंग का फॉर द टाइमिंग जो परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि इस प्राइस रेंज में आपको दूसरे एसी भी मिल जाएंगे, इसके सस्ते में भी मिल जाएंगे, लेकिन मैंने सैमसंग को ऑप्ट किया। और जब भी आप कोई भी एसी लेते हैं मैं बोलूँगा डेफिनेटली आप एक बार चेकआउट कर लो कितना पावर कंजम्पशन वो करता है। एंड जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ये 950 किलोवाट का पावर कंजम्पशन करता है, ये 3 स्टार है। अगर मैं 5 स्टार लेता हूँ तो ये पावर कंजम्पशन और भी कम हो जाता है, लगभग 650-700 हो जाता है, लेकिन तब इसका प्राइस लगभग 40-42 हज़ार रुपये के आसपास हो जाएगा, मतलब प्राइस काफ़ी बढ़ जाएगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है, मुझे लगता है आज एसी में 30-35 हज़ार तक खर्चा करो विच इज़ मोर देन सफिशियंट, क्योंकि सारा साल तो ये चलेगा है नहीं, घर में टाइम 2-3 महीना चलता है, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली बंद ही रहता है। मेरे घर में एसी थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल होता है क्योंकि मैं जब वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ या फिर शूट करता हूँ तब मुझे एसी चला के करना पड़ता है, तो उसके लिए, या फिर आपके घर में अगर ऐसा कोई काम होता है तो अलग बात है। तो ये था टोटल मेरा एक्सपीरियंस फ्लिपकार्ट से एसी मंगवाना, उसको इंस्टॉल करना। एंड आप ये एसी को चेकआउट कर सकते हैं, मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा ये एसी, ओवरऑल फील्स प्रीटी गुड। एंड अभी तक मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 4-5 दिन ही हुआ है, मुझे तो वैसा कोई दिक्कत नहीं हुआ। हालांकि लॉन्ग टर्म रिव्यू मैं डेफिनेटली लेके आऊँगा, तब आप लोगों को बताऊँगा कि ये एसी का परफॉर्मेंस कैसा है। तो गाइस इस वीडियो में अभी तक लेते हैं, दिस इज योर होस्ट मी सानिया फ्रॉम डैड डॉग, होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय।